आ गया आप जोगिंदर भाई, ले आए मगज हमारा। हाँ जी, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट और दोस्त प्रभजोत सिंह फूडकर्स से आज आ गया हूँ एक नए देसी अड्डे की तलाश में। और हम अभी आ गए हैं मोती नगर फ्लाईओवर के पास। हम अभी हैं राजू भाई अंडे वाले के पास, मोती नगर फ्लाईओवर के पास। इनका एक कार्ट है जो कि फेमस है अपने ऑमलेट के लिए, रोस्टेड आइटम्स के लिए और स्पेशली चिकन वाली हार्ड ग्रेवी की डिशेज के लिए। आइए इस देसी जायके के सफर की शुरुआत करते हैं इनकी कुछ सिग्नेचर डिशेज के साथ। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर किया इनके तरी कबाब्स का, जो कि काफ़ी फेमस हैं, सीख कबाब ग्रेवी में, हार्ड ग्रेवी में। तैयार हो गए जी हमारे ग्रेवी वाले सीख कबाब। फिर हमने ऑर्डर किया तरी चिकन टिक्का का। ये आ गई जी करी, और हमारी ये डिश भी तैयार हो गई। साथ में गर्मा गर्म रोटियां लग रही हैं, आप देख ही सकते हैं। एंड फाइनली बारी आ गई हमारे मगज। ये है हमारे जोगिंदर भाई, करी वाला सारा डिपार्टमेंट इन्हीं के हाथ में रहता है। हमने लोकेशन थोड़ी सी पूछी तो मोती नगर फ्लाईओवर से यू टर्न लेके मिलन सिनेमा वाली जो रोड जा रही है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे भैया अभी रेडी लगाते हैं। और मज़े की बात यहाँ पर ये थी कि राजू भाई के पास 90% कारीगर नेपाल से हैं। तो जोगिंदर भाई करी वाली आइटम्स हैंडल करते हैं और मुकेश भाई तंदूर हैंडल करते हैं। मगज तैयार है हमारा। सबसे खास बात है आपको करी वाली आइटम्स के साथ जो रोटियां मिलती हैं तवे पे सेक के एकदम गर्मा गर्म, प्योर आटे की हैं, कोई मैदा यूज नहीं है। और आटे वाली रोटी के साथ चिकन खाने का अपना ही मजा है। हमने वैसे रोस्टेड आइटम्स में अफगानी और चिकन टिक्का लगवाया, बट मुझे रोस्टेड आइटम्स से ज़्यादा बेटर इनकी करी वाली आइटम्स लगी, जो हार्ड ग्रेवी वाली आइटम्स हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको रहेगी हार्ड ग्रेवी वाली डिशेस की। ये इनका अफगानी चिकन था, बट जो मज़ा इस तरी कबाब में था अल्टीमेट। चिकन मलाई टिक्का सॉफ्ट था, पर सर्दियों में ठंडा जल्दी हो जाता है तो आई वोंट रेकमेंड। बाकी आप खरोड़े के सूप के शौकीन हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। तो नेक्स्ट टाइम आपको पता है जब आपको कुछ देसी खाने का मन करे तो बिल्कुल पहुंच जाइए राजू भाई अंडे वाले के पास। दुकान का टाइम 6 से 11 बजे का है, बट 10 बजे तक मैक्सिमम यहां सामान निमट जाता है। फॉलो करने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं आप।